नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो मेरी कलम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो जो व्यूअर्स अभी हमसे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरी कलम एक ऐसा शो है जहां हम स्पिरिचुअल ऑथर्स का इंटरव्यू करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी बुक्स की लर्निंग्स के बारे में जानते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं काजल तहरी जी, जिन्होंने बुक लिखी है एंड आई थॉट ओनली मंक्स कुड मेडिटेट। और इसके पीछे क्या कहानी रही, इस बुक में क्या कुछ कंटेंट है, आपकी लाइफ ये कैसे परिवर्तित करेगा, इसके बारे में हम जानेंगे स्वयं काजल तहरी जी से। लेकिन उनका स्वागत करने से पहले मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। वो एक ऑथर हैं, प्रोफेसर हैं, ध्यानी हैं और पीएमसी हिंदी पर आप उन्हें कई बार देख चुके हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनसे और करते हैं उनसे मुलाकात मेरी कलम शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है काजल तहरी जी। तो काजल तहरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी जो बुक है एंड आई थॉट ओनली मंक्स कुड मेडिटेट, ये जो बुक है, जब मैंने इसको पढ़ा, इसका कवर पेज देखा और उसके बाद कंटेंट पर जब मैं गई तो मुझे ऐसा लगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो मैं स्किप करना चाहूंगी, सब मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बुक को लिखने का ख्याल आपको कैसे आया? अंशिका जी, इसके पीछे भी एक कहानी है। मुझे इस किताब को लिखने से पहले नहीं मालूम था कि मेरे अंदर एक ऑथर, एक लेखक छुपा हुआ है। वो हुआ यूँ कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई। जैसा आप जानते हैं, मैं काफ़ी समय से ध्यान कर रही हूँ, तो इंट्यूशन आई कि मुझे इस किताब को लिखना है। जो मैंने अपने जीवन में बदलाव लाए हैं, जो मैंने आनंद प्राप्त किया है, वो सब तक क्यों ना जाए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि बस मैं अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई और आज किताब आपके सामने है। तो आपकी जो बुक है एंड आई थॉट ओनली कुड मंक्स कुड मेडिटेट, तो मेडिटेशन से जुड़ी हुई ये बुक मुझे समझ में आती है। तो ध्यान का कितना आपके जीवन में रोल रहा, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि इस बुक को लिखने में ध्यान की क्या भूमिका रही? पूरी किताब ध्यान पर ही केंद्रित है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि बुक का पूरा नाम है एंड आई थॉट ओनली मंक्स कुड मेडिटेट, अ ट्रू स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग मिरेकल्स। परिवर्तन की और मिरेकल्स की एक असली कथा। तो पूरी किताब ही ध्यान के ऊपर ही है कि ध्यान जीवन में आया तो क्या क्या बदलाव आए, कैसे रिश्ते बदले, कैसे चीज़ें सुलझनी शुरू हो गई, कैसे चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया, कैसे अपने आप हीलिंग करनी आई। तो ये किताब मेरी अपनी कहानी है और मैं आपसे कहूँगी फ्रेंड्स की, आप सभी की कहानी भी है ये। एक सिर्फ एक मेरी कहानी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हम सभी की कहानी है। और आपको काफ़ी मोमेंट्स पर ऐसा लगेगा कि अरे, तो बिल्कुल मेरी वाली ही बात बोल रही हैं। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं सोचती हूँ कि अगर कोई, मुझे ये ऐसा लगता था कि स्पिरिचुअलिटी का बेस्ट सेलर होना चाहिए इस किताब को, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बोरिंग लोगों के लिए नहीं है, हमारे इंटरेस्टिंग कूल लोगों के लिए भी है। तो वो मैं इस किताब के ज़रिए उस एंगल को लेती हूँ कि आप अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि इस बुक को स्पिरिचुअलिटी का बेस्ट सेलर होना चाहिए, तो अमेज़ॉन पर तो ये बेस्ट सेलर है ही। और इसके साथ ही अब मैं इस बुक में जाना चाहूँगी, बुक के कंटेंट्स पर आपसे बात करना चाहूँगी। बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि आप जब इस बुक को देखेंगे, आप उस बुक को खोलेंगे, तो जो कंटेंट है आप उसको पढ़कर ही स्टार्टिंग से ही आपको लगेगा मुझे ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना है। किसी को देख कर, किसी भी चैप्टर को देख कर आपको ये नहीं लग सकता कि नहीं ये तो स्किप करना है। आप सारे ही चैप्टर इतने खूबसूरती से इन्होंने लिखे हुए हैं। तो काजल जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, जो आपके चैप्टर्स हैं इसमें स्टार्टिंग में आपने अपनी जर्नी के बारे में बात किया है, जहाँ पर आप बताती हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए थे उसको आपने किस तरह से हील किया, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। जी अंशिका जी, ये मेरा बुक का शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर होगा जिसमें कि मैं बताती हूँ कि किस तरह से मेरे और मेरे हस्बैंड का रिश्ता बेहतर होने की बजाय शुरू में उसमें दरार आना शुरू हो गई। तो वो दरार आनी शुरू हो गई तो थोड़ी घबराहट होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे तब भी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत कंफर्टेबल थी,
पर कभी कभी ऐसा होता था कि मैं मिस करती थी कि हम पहले कितने अच्छे से रहते थे और अब हम कैसे रह रहे थे। मैंने पाया कि मैंने क्या गलतियाँ की उनके प्रति। जब मैं ध्यान में आई तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत अच्छे मार्ग पर आ गई हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ और बाकी सब दुनिया गलत है। तो अभी ये लोग नीचे हैं, निचले स्तर पर हैं। इस फीलिंग से, इस भाव से मैं उनको उनके पास जा रही थी। और अब होते ना, आपके बोलने से पहले आपकी वाइब्रेशन सामने वाला कैच कर लेता है। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो, उन्होंने सेंस कर लिया होगा। बोला तो नहीं मैंने ऐसे कभी कि आप तुच्छ प्राणी हो तो मैंने बोला तो नहीं, लेकिन वो सेंस कर लिया उन्होंने कि ये अपने आप को कुछ अलग ही जोन में समझ रही है। तो हमारे रिश्ते में काफ़ी दरार आनी शुरू हो गई। और इस चैप्टर में मैं बात करती हूँ कि कैसे उसको मैंने हील किया। और ना सिर्फ ये, मैंने अपने बच्चों के साथ भी अपने रिश्ते को कैसे बदला। स्पेशली जो मेरा बड़ा वाला बेटा था उसके साथ काफ़ी ज्यादतियाँ हो गई उसको बड़ा करने में। तो और वो सामने आ रहा था कि मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों नहीं ठीक हो रहा ये सब, ध्यान करके तो ठीक होता है। तो वो जब मैंने उस रिलेशनशिप पे भी, जब मैंने BSSM के बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करना शुरू किया, नो जजमेंट, तो बहुत कुछ बदल गया। कि मतलब कितनी छोटी बात है ना बोलने के लिए, नो जजमेंट, किसी को जज मत कीजिए, लेकिन वो इतना बदल सकती है आपके रिश्तों को कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो ये छोटे छोटे BSSM के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मैंने अपनी इन रिश्तों को खूबसूरत बनाना शुरू किया। ऐसा नहीं कि बहुत एकदम से लव रिलेशनशिप्स बन गए, ऐसा नहीं, पर धीरे 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 बेहतर बेहतर और बेहतर। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि BSSM के कई प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करने लगे, उनमें से एक हमारे यहाँ शाकाहार को और खाना बनाने को महत्व दिया गया है कि जब भी आप खाना बनाते हैं तो उसे बहुत प्यार से हमें बनाना है, उसमें हम अपनी फीलिंग्स, हमें अच्छी फीलिंग्स डालनी है, क्योंकि वही फीलिंग्स हमारा परिवार फीड करेगा, वही वो अपने अंदर ग्रहण करेगा। तो उससे रिलेटेड आपका एक चैप्टर है कुकिंग इज़ वेस्ट ऑफ टाइम करके है, तो इसके बारे में समझना चाहूँगी कि ये आपके मन में क्या आ रहा था इस समय। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया मेरे अंदर जब मैंने PSSM को ज्वाइन किया। उससे पहले मुझे लगता था कि खाना बनाना एक वाकई टाइम की बर्बादी है, पसीना में आप खड़े रहते हैं, कुक करते हैं सबके लिए, और ऐसा लगता था औरतों के ऊपर ही क्यों, तो हम लोगों के ऊपर फोर्स लगता था। मुझे तो मुझे लगता था कि बाहर से मंगा लो, या मुझे लगता था कि कोई कुक रख लो। ये मुझे दो इजी ऑप्शंस लगती थी। और कभी कभी मैं किचन में एंटर करूं तो मैं ऐसा सोचती थी कि तब मैं क्वीन होंगी। अभी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल है ही नहीं, हर औरत को तो किचन में अपने आप को झोंकना ही पड़ता है। लेकिन जब BSSM को ज्वाइन किया तो समझ आया कि कुकिंग तो एक सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आप अपने भोजन से कितने प्यार से आप बनाते हो तो आप उस इंसान का जीवन बदल सकते हो पूरी तरह से। और ये मैंने अपने कॉलेज में भी देखना शुरू किया कि जो बच्चे बाहर से आते हैं वो तरसते हैं घर की रोटी के लिए और माँ के हाथ के बने हुए लड्डू के लिए जो सर्दियों में बनाती हैं वो, तो मतलब वो कितनी अच्छी जगहों पे खाते हैं, बेस्ट रेस्टोरेंट्स पे जाके खाते हैं, लेकिन वो उस खाने के लिए तरसते हैं। तो ये मैंने वाकई फील किया कि वो, क्योंकि वो खाना सिर्फ ये नहीं था कि उसका टेस्ट था, उस खाने में, घर के खाने में क्या होता है, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा घी, कुछ 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 कुछ, लेकिन वो हमको क्यों उसकी याद आती है। तो समझ आया कि हाँ, ये तो उसकी एनर्जी के लिए तरस रहे हैं, सिर्फ उस खाने के टेस्ट के लिए नहीं, उसकी एनर्जी के लिए। तो ये मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट हैंड देखा कि आप कैसे उस एनर्जी से आपका जीवन बदल जाता है। तो मैंने मेरे परिवर्तन हुआ मेरे अंदर कि मैंने कुकिंग को एक बहुत सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखना शुरू कर दिया। और ऐसा ही नहीं कि मेरे हस्बैंड ने भी अपना कुकिंग का जौहर दिखाना शुरू कर दिया, वो आपके भाव बदलते हैं तो सामने वाला भी बदलना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने भी बहुत कुकिंग करनी शुरू कर दी और इतनी लाइट हो गई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पर ये प्रॉब्लम हुई कि मुझे लगा कि मेरी तो कई बार मेड को भी खाना बनाना होता है, तो ये भी मैं अपने चैप्टर में लिखती हूँ कि मैं उसको कैसे छोड़ सकती थी। तो मेरे पास ये मेड कई सालों से थी और बहुत प्यार से हम लोग रहते थे एक साथ। जैसे होता ना, कई लोग अपनी मेड से बहुत शिकायत करते हैं, लेकिन हम बहुत प्यार से रहते थे। तो मैं उसको एकदम से कैसे बोलती कि तुम खाने को मत बनाओ, और मैं कई बार घर पर होती भी नहीं थी तो वो कई बार कुकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती थी। मैं बड़ी बहुत दुविधा में पड़ गई कि मैं क्या करूं, सर तो बोलते हैं अपना खाना अपने हाथ से बनाइए और प्यार से खिलाइए। तो मैंने अपनी मेड के बारे में ये सेंस किया, मैं बहुत दुविधा में पड़ गई कि क्या करूं इसके साथ, क्या करूं, ना छोड़ सकती हूं, ना कुछ कर सकती हूं। तो इतने में मुझे ऐसा लगा कि एक प्रकाश की किरण गिरी
कि मुझे लगा अरे जिसने जिस चीज़ ने मुझे बदला है वो उसको भी तो बदलेगा, मैं कैसे बदली हूँ, मैं कोई एकदम से ऐसे ऐसे पैदा तो नहीं हुई हूँ, मैं भी तो एक प्रोसेस से बदली हूँ। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो जिसने मुझे बदला है वो इसकी भी ऊर्जा को बदलेगा। और मैंने उसी क्षण अपनी मेट को ध्यान सिखाना शुरू किया और उसने उसको अच्छे अनुभव भी हुए। और उस इंसिडेंट के बाद बहुत बार नई मेड्स भी आई, लेकिन हर बार मेरे घर का ये नियम बन गया कि मैं अपने सभी हेल्प्स को ध्यान सिखाऊंगी। तो पहले उनको ध्यान सिखाती हूँ, उसके बाद ही मेरे घर में वो एटलीस्ट खाना का मैंने हर मेड को तब से ध्यान सिखाया उस दिन के बाद से। तो ध्यान सिखाने का जो उद्देश्य है, जो हमारा एक धर्म है PSSM में, हम जब कहते हैं, पत्री जी जब हमसे बोलते हैं कि आप जो ध्यान सीख रहे हो वो सबको सिखाओ, तो आप उसको भी समझ रहे हो और बाकियों को भी करा रहे हो। तो उसके साथ ही ना मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो आपने एक और चैप्टर है, वैसे काफ़ी सारे चैप्टर हैं, तो उसमें से एक चैप्टर के बारे में जानना चाहूँगी, पिरामिड की ऊर्जा, पिरामिड के मैजिक के बारे में आपने जिक्र किया है जब हम मेडिटेशन पर बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी, इसमें आपने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ लिखा है। जी, वीडियोज तो कई हैं कि जिसमें आपको पता चलता है कि अच्छा पिरामिड के अंदर इतनी हीलिंग हुई, लेकिन वो होता है ना जिस तन लागे सो तन जाने। तो जब तक मैंने इसको खुद अनुभव नहीं किया, मुझे मेरा ये अपना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं करताल में गई थी ध्यान मां चक्रम में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पिरामिड है जैसा आप जानती हैं, तो वहाँ पर मैं पहुँची और पहुँचते ही मेरा पैर जो है वो टूट गया। और मैं सोच रही हूँ मैं इतनी दूर पहली बार अकेली आई हूँ और मैं यहाँ पे कैसे मैनेज करूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी कि मैं खुद ब खुद उठ भी पाऊँ। तो फिर भी मैंने किसी तरह से पिरामिड के अंदर जाके बैठ कर ध्यान किया। आसान नहीं था क्योंकि एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो पता उस टाइम पर नहीं पता था कि पैर फ्रैक्चर हो गया, ये था कि बहुत तकलीफ़ में थी। तो वहाँ पर जब मैंने एक दिन ध्यान किया, मैं थोड़ी बेटर हुई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप आ जाइए अगर आ सकते हैं तो। तो उन्होंने पहले मुझे कहा नहीं तुम वापस आ जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं आप आ जाइए अगर आ सकते हैं तो। तो वो आए और उन्होंने मुझे देखकर बहुत हैरानी से कहा तुम तो काफ़ी ठीक लग रही हो, मुझे क्यों बुलाया। और ये वो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी उससे पहले वाले दिन कि मैं मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा गया था, मैं बेहोश हो गई थी जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था। तो उसकी पेन इतनी इंटेंस थी कि मैं काफ़ी समय तक बेहोश रही थी, लोगों ने मेरे ऊपर पानी डाला, क्या कुछ नहीं किया, मुझे कोई होश नहीं है। तो उस स्थिति से जब उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे देखा, जब मैं चल के उनको आई उनसे हेलो करने, तो उनको काफ़ी हैरानी हुई। और मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे, मतलब सभी लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे इतनी जल्दी हीलिंग हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा पैर जुड़ गया था, मुझे कोई फर्स्ट एड भी खास मेरे पास नहीं थी उस समय, तो पर यह था कि मुझे मैं तकलीफ़ कम हो रही थी। पैर मेरे पहले भी हड्डियाँ टूटी हैं, तो मैं जानती हूँ कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आप अगर उसको सहारा ना दें उस पार्ट को तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पर मैं हर चीज़ को टॉलरेट कर पा रही थी। ये पिरामिड ऊर्जा का ही मैजिक है जो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। सुनते तो हम बहुत बार हैं, लेकिन जब आपके ऊपर बीतती है तो आपको पता, अरे सच में ये तो कुछ गजब ही है। जी, इनफैक्ट इसके बाद में जब मैं डॉक्टर के पास दिल्ली आकर गई, तो चल के गई, तो डॉक्टर को मैंने बोला कि शायद मुझे शायद लगता है कोई मसल वगैरह कुछ खिंच गई है या मांस फट गया। तो मेरे पैर की तरफ देख रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ पैर है, और मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनको बोल रही हूँ, मतलब उल्टा हो रहा था। डॉक्टर तसल्ली देता है, यहाँ पेशेंट डॉक्टर को बोल रहा था कि शायद मैं ठीक हूँ। तो एक्सरे देखे कहते हैं तुम्हारी तो हड्डी ही टूटी हुई है, हेयरलाइन फ्रैक्चर भी नहीं है, प्रॉपर टूटी हुई है। तो मैं काफ़ी हैरान थी, उन्होंने मुझे इतनी पेन किलर्स लिख के दी, मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं सर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। कहते अच्छा ठीक है, आप बर्दाश्त कर सकती हैं तो ठीक है। फैक्ट ये था कि मुझे इतनी दर्द नहीं हो रही थी कि मुझे पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़े। तो ये कहाँ से ये सब हुआ, कहाँ से हुआ, मुझे तो कोई, मैंने तो कोई फर्स्ट एड भी नहीं ली थी वहाँ पे, मुझे मालूम ही नहीं था मेरे साथ हुआ क्या है। हाँ, थोड़ा सहारा लेके ज़रूर चल रही थी। तो ये हम कह सकते हैं कि पिरामिड की ऊर्जा का ही मैजिक है कि आपका पैर टूटने के बावजूद आपको पेन नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कह सकती पेन नहीं हो रहा था, पर बहुत यस, हाँ बहुत टॉलरेबल। तो इसके साथ ही आपने एक और चैप्टर के बारे में बात की है, डॉक्टर से रिलेटेड ये चैप्टर है जहाँ पर आप स्वयं के सेल्फ हीलिंग की बात करती हैं, तो इसके बारे में समझना चाहूँगी। तो हुआ ये कि हमारे घर में चलन है बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाने का,
बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि अच्छा, स्पेशली मेरे हस्बैंड, सभी लोग इनफैक्ट, मेरे इन-लॉज भी, तो नहीं नहीं बुखार हो गया, तुम्हें 100 बुखार हो गया, तो डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, ये मतलब चलन है हमारे घर में। तो अब ध्यान यहाँ पर आने के बाद, PSSM में आने का, तो सबकी लोगों की कौन कौन सी बड़ी बड़ी डिसीजेज की हमने हीलिंग की स्टोरी सुनी है। तो मुझे कई ऐसे मौके आए जब मैं काफ़ी बीमार हुई, तो मुझे उन मौक़ों पर कन्वेंशनली डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे 104 पे फीवर था और मैंने सोचा कि मैं नहीं लूँगी गोली, देखती हूँ क्या होता है। तो मेरे पर बड़ा प्रेशर था फैमिली का, जैसे हम कहते हैं ना, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, बट आपके ऊपर सोसाइटी का इतना प्रेशर रहता है कि इतनी जिम्मेवारियाँ हैं, अभी ये करना है वो करना है, और अभी आप पढ़े हुए हो। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई तो करूँगी। कि सब कहते हैं नहीं, बुखार तो ऐसे नहीं उतरता भाई, तुमको ऐसा लगता है कि ऐसे बुखार उतरता है, ऐसे बुखार नहीं उतरता, ठीक है तुम हीलिंग कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी खुद हीलिंग हो जाती है, लेकिन बुखार तो उसके लिए तो दवाई लेनी पड़ती है। तो ये पहली बार था मेरी लाइफ में कि मुझे इतना हाई फीवर था और मैंने गोली नहीं ली थी। ये एक्चुअली बुक में नहीं, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। तो मैंने पहली बार था लाइफ में कि इतना हाई फीवर और मैंने मेडिसिन नहीं ली थी, और मैं बिल्कुल नॉर्मली हंस खेल रही थी, जैसे मैं अभी आपसे नॉर्मली बात कर रही हूँ। घर में लोग हैरान हो रहे थे कि 104 बुखार पे ऐसे कोई हंस खेल कैसे सकता है, किसे बात कर सकता है। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कहा तुम ध्यान करो, तुम उससे पहले तो ये डॉक्टर के पास चलो, तुम डॉक्टर के पास चलो, अब नई स्टोरी शुरू हो गई थी, तुम ध्यान करो, तुम ध्यान में बैठ जाओ, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1.5 दिन में मैं बिल्कुल 100% हेल्दी थी। 1.5 दिन में, एक दिन तो मैं मुझे रहा बुखार, और अगले दिन दोपहर तक मैं बिल्कुल 100% नॉर्मल थी। ये मेरी फैमिली के लिए बड़ा आई ओपनिंग मोमेंट था। मुझसे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, तुम करती क्या हो, क्योंकि इतने हाई फीवर से कैसे कोई बाहर निकल सकता है ना। बिल्कुल। तो ये मेरा चैप्टर है कि मैंने क्या क्या मोडालिटीज अपनाई अपने आप को हील करने के लिए। मैंने सूर्य के साथ कनेक्शन किया, मैंने मिट्टी के साथ कनेक्शन किया, मैंने बहुत डीप ब्रीदिंग को फॉलो किया नेचर में जाकर। तो इन सब मोडालिटीज ने मेरी शरीर को एक नई ऊर्जा की दी और हीलिंग ऊर्जा, और साथ साथ पिरामिड और मेडिटेशन तो मैंने बढ़ाई दी थी। तो मैंने 5.5 साल हो गए बिना किसी डॉक्टर की शक्ल देखे हुए। अब तो ये भी नहीं मालूम कि कौन सी दवाई लेते हैं। जब आप बीमार होते हैं ना, तो आपको पहले तो सबको पता होता है कि अच्छा BP है, ये वाली दवाई ले लो, अच्छा आपको शुगर बढ़ रहा है, आपको हाई फीवर है। तो अब तो मुझे लगता है मेरे को तो बड़ी पुरानी दवाइयों का ही नाम शायद किसी तरह से याद आ जाए कि कौन सी दवाई लिया करते थे उस समय में। तो मतलब 5.5 साल की जो जर्नी है, नो मेडिसिन, नो डॉक्टर की, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं गई। एक बार हड्डी टूटी थी तो जाना ही पड़ा था, क्योंकि आपको फ्रैक्चर में तो आपको में नहीं गए, जैसे जो मेजर है जहाँ पर जाना ही है तो वहाँ पर आपको जाना पड़ा था, अदरवाइज। हाँ, ये दो प्रॉब्लम्स सिर्फ आई हैं 5.5 साल में। एक बार मेरी पैर की हड्डी टूटी, तो फ्रैक्चर कराने के लिए तो मुझे प्लास्टर कराने के लिए तो मुझे जाना ही पड़ा। और एक और भी हुआ था कि जब मेरी आँखों लेफ्ट आई की रोशनी बहुत कम हो गई थी, तो और मैं एकेडमिशियन हूँ तो मेरा काम तो पढ़ने लिखने का ही है, तो तब घर में सब घबरा गए थे कि नहीं नहीं तो आँख का मामला है, ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है। तो मतलब उन परिस्थितियों में भी मैंने किस तरह से अपने इस बिलीफ को कायम रखा कि आई कैन हील माई सेल्फ, ये मेरा वो जर्नी है इस चैप्टर में। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने जो चैप्टर का एक का जिक्र किया है जो कि है आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड, आपने वर्क प्लेस पर जो भी बातें होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी। इसमें क्या कुछ आपने लिखा है और क्या कुछ आपने, कैसे आपने सब कुछ हैंडल किया? जी, तो ये वर्क प्लेस इश्यूज कैन बी हैंडल टू, ये उस चैप्टर का नाम है। तो माने ध्यान का असली इम्तहान इन्हीं सिचुएशंस में आता है, जब आपका मन कर रहा हो सामने वाले को एक कस के चांटा रसीद करने का और आप नहीं करें। तो इस चैप्टर में मैं अपनी एक मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड थी, वो सीनियर भी थी मेरे से, तो मैंने उनसे कुछ पूछा और वो मुझे उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्सा कर दिया सबके बीच में। तो उस पॉइंट पे तो मैं उनको कुछ नहीं कह पाई, और पर मैं गुस्सा हो सकती थी, गुस्सा तो इनिशियली शायद एक आध सेकेंड के लिए आया होगा, लेकिन दूसरे ही क्षण ये नॉलेज कि अपनी सांसों के साथ एक हो जाओ, ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट नहीं करती। तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपनी सांस के साथ एक हो गई, चलते फिरते काम करते हुए। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वो चोट नहीं लगी है, मुझे बुरा नहीं लगा या मुझे इंसल्टेड फील नहीं हुआ, वो सब हुआ। तो
साथ साथ मैं सांस के साथ एक होती जा रही हूँ, और रात को भी मैं ध्यान करने बैठ रही हूँ तो बैठ नहीं पा रही हूँ, वो बातें दिमाग में घूम ही जा रही हैं गोल गोल, और मैं सोच रही थी कि मुझे इन सब बातों में नहीं फंसना, जो हुआ सो हुआ। तो पर मैं ध्यान में किसी तरह से थोड़ा बहुत बैठ पाई और फिर मैं सो ही गई क्योंकि कुछ ढंग से हो नहीं रहा था। सुबह मैं जल्दी उठकर जब ध्यान करती हूँ तो सेम एपिसोड दिमाग में बार 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 बार। मैंने ऐसा सोचा मैं आँख नहीं खोलूँगी, जो हो जाए क्या होगा मैं देखती हूँ कितनी देर तक ये एपिसोड मेरे पे हावी रहेगा। और हुआ ऐसा कि शुरू के शायद आधा घंटा वही एपिसोड एक रील की तरह गोल 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 दिमाग में घूमता रहा, और लेकिन आधे घंटे के बाद मुझे वो परम शांति मिल गई जिससे कि मैं पूरे दिन से तलाश कर रही थी। कि वो जो मोमेंट होता है जब आपको पता ही नहीं कि आप शरीर, आपका ये शरीर भी है, या आप एक प्रोफेसर हैं, या आप एक टीचर हैं, या आप एक स्त्री हैं, वो आप जो ध्यान में उसके बियॉन्ड चले जाते हैं ना, वो स्टेट दोबारा से आई। और मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैंने मतलब इस इशू को अपने दिल में रख सकती थी, नफ़रत पाल सकती थी। एक नॉर्मल इंसान यही करता है, उस नफ़रत को अपने दिल में रखो उस व्यक्ति के प्रति, लेकिन वो मैंने नहीं किया। तो मैंने ये समझ लिया था कि कुछ अपना ही पुराना लेना देना है, कभी हमने करा होगा तो आज हम झेल रहे हैं। तो इस तरह से मैंने अपने वर्क प्लेस के इश्यूज़ को हैंडल किया। और अंशिका, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगी कि हर चैप्टर के बाद में मैंने कुछ एक टिप दी है कि मैंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, एक टिप, कुछ वीडियोज़ जो आपकी हेल्प करेंगे, और कुछ किताबें उस टॉपिक से कंसर्निंग। तो आपको ये हेल्प करेगा उन चीज़ों में जो मैं, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये आपके हेल्प करेंगे, ये वीडियोज़, ये टिप्स, ये और ये बुक्स। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो जो वर्क प्लेस पर आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई, लगभग लगभग सभी के साथ होती है, सभी के साथ, हर किसी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर हमें ज़रूरत है तो ध्यान करने की, सांसों से जुड़ने की। जब आप सांसों से जुड़ने लगते हैं तो हो सकता है वो जो परेशानी है, जो आप लग रहा है कि बात मुझे तीर की तरह चुभ रही है, वो गायब हो जाए। जैसे कि आपने बताया, आप ध्यान में बैठे तो उसके बाद में आपको बहुत रिलैक्स फील हुआ। तो हमें ध्यान से जुड़ने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। बिल्कुल। तो काजल जी, आपने इसमें सोल कॉलिंग का एक चैप्टर लिखा है, माई सोल इज़ कॉलिंग, तो आपकी सोल किस चीज़ के लिए कॉल कर रही है यहाँ? तो ये मेरा चैप्टर है, सो दिस वाज माय सोल कॉलिंग। तो क्या है कि जीवन में आप क्या करते हैं ना, आप क्या करियर बनाते हैं, जो आपके आपके पेरेंट्स आपको रास्ता दिखा देते हैं। हमारे घर में था कि अच्छा डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो टीचर बन जाओ, तो उसके अलावा कोई तीसरा पाथ नहीं था। और हमको भी लगा कि हाँ यही नॉर्मल है, तो यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन तभी भी एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, एक मतलब संतुष्टि नहीं थी। यहाँ भाग वहाँ भाग, ये डिग्री वो डिग्री, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं चाहती क्या हूँ बेसिकली लाइफ से। तो जब ध्यान में आई, जब ध्यान मार्ग में आगे बढ़ी, तो अपने आप से वो पेटल्स खुलने लग गए कि मुझे ये समझ आया कि मुझे स्पिरिचुअल बातों को लोगों तक आसान भाषा में पहुँचाना है। और ये काम मैं PMC हिंदी को ज्वाइन करने से पहले से ही स्टार्ट कर चुकी थी। पहले शुरुआत में मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस बनाकर लोगों के साथ शेयर करने शुरू किए, उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस बनाने शुरू कर दी, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई, PMC हिंदी स्टूडियो में पहुँच गई। तो मतलब वो ज़मीन की खुदाई शुरू हो चुकी थी पहले ही, जब आए थे, ज्वाइन किया जब ध्यान में आए थे, तो यहाँ से समझ आया था कि अच्छा मेरा पर्पस तो ये था कि सभी तक स्पिरिचुअल नॉलेज को आसान शब्दों में पहुँचाना, बोरिंग तरीके से नहीं। सो वो काम आप बखूबी कर ही रहे हैं, PMC हिंदी से जुड़कर आप कर रहे हैं, आप बुक्स लिख करके लोगों को ध्यान का ज्ञान दे रहे हैं, और एक उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि किस तरह से वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं, खुद से जुड़ सकते हैं। जी। तो उसके साथ ही अब मैं बात करना चाहूँगी, इस बुक में जो लास्ट चैप्टर है, जो आपने एक लेटर लिखा है सर के लिए, पत्री सर के लिए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी दोस्तों, मेरी ध्यान की जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो वो पत्री सर के साथ ही स्टार्ट हुई थी। सोचा ही था कि ध्यान करूंगी और अगले ही हफ्ते सर मुझे मिल गए थे, तो बहुत भटकाव नहीं हुआ। तो जो मैंने लास्ट चैप्टर लिखा है उसका नाम है टू सर विद लव। तो इसमें मैंने अपनी पूरी फीलिंग्स को उड़ेला है सर के लिए। तो कभी कभी बोलने का मौका नहीं मिला मुझे उनको, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे इस लेटर के थ्रू हम सभी की फीलिंग्स सर तक पहुँच गई होंगी।
तो ये चैप्टर की शुरुआत भी, जैसे आप जानते हैं सब शुरुआत इंटरेस्टिंग ही होती है, तो इसकी भी शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये शुरू होता है, हे ओल्ड मैन। तो मुझे लोगों ने बोला कि अरे कोई गुरु को ऐसे संबोधित करता है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वैसे ही संबोधित करूँगी। तो उनको मैं लेटर लिख रही हूँ कि हम कि आपको क्या लगता है कि आप, हमें पता है कि आप ऊपर भी दूसरे लोगों में भी लोगों को परेशान कर रहे हैं ध्यान से, म्यूजिक से और स्पिरिचुअल साइंस के, आप उनके पीछे पड़े होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। तो ये चैप्टर जो है ये केवल मेरी तरफ से नहीं है, इस चैप्टर का मैंने एंड लास्ट में लिखा है, टिल वी मीट अगेन फ्रॉम ऑल लाइट वर्कर्स। तो ये हम सभी की तरफ से, हम सभी की डीपेस्ट फीलिंग्स जो हैं कि एक बुद्धा जाता ही कहाँ है, तो आपके थ्रू काम कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो ये उन फीलिंग्स को दर्शाता हुआ मेरा बड़ा फेवरेट लास्ट सेगमेंट है इस बुक का। वाओ, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि हम सबकी फीलिंग्स हैं पत्री सर के लिए, तो और जो आपने लिखा है उसके द्वारा एक ये हम श्रद्धांजलि उनके लिए मान सकते हैं, एक भावांजलि, हमारा जो प्रेम है सारा उनके लिए मान सकते हैं, आपका प्रेम उनके लिए मान सकते हैं। तो काजल जी, आपकी जो बुक है, मैं इतनी इंटरेस्टिंग बुक है, मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स इसको पढ़ें, तो उसके लिए जानना चाहती हूँ कि आपकी बुक कहाँ कहाँ अवेलेबल है और अभी ये किन किन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरी बुक इंटरनेशनली अवेलेबल है, पूरे विश्व में आप किसी भी देश में हो, किताब आप तक पहुंचेगी अमेज़ॉन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू। और अभी ये किताब सिर्फ इंग्लिश में है, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं बहुत जल्द इस किताब को हिंदी में भी रिलीज़ करूं हमारी हिंदी ऑडियंस के लिए। लेकिन इंग्लिश वाली जो बुक है फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिए कि बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखी गई है, बिल्कुल नहीं। जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज है, आपको ऐसा कोई डिक्शनरी खोल के नहीं बैठना पड़ेगा, नॉर्मल लैंग्वेज में है। तो अमेज़ॉन पे आप इस बुक को ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच काजल जी, आप यहाँ आए और आपने अपनी बुक की जर्नी हमारे साथ शेयर की। लेकिन जाते जाते एक मैसेज जाना चाहूँगी आपसे हमारे व्यूअर्स के लिए, या फिर उनके लिए जो जो किताब लिखने के जो क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए, कि क्या उन वो किन चीज़ों का ध्यान रखें बुक लिखते समय। दोस्तों, मैंने ये सीखा है ध्यान में आकर कि आपके थ्रू यूनिवर्स जो काम कराना चाहता है वो आपके थ्रू कराएगा। आपको केवल कर्ता का भाव ड्रॉप कर दीजिए कि मैं ऑथर हूँ, मैंने ये किताब लिखी है। आप ये कर्ता का भाव ड्रॉप कर दीजिए, यूनिवर्स ने आपके थ्रू जो कराना है वो कराएगा, और आपने बोलना है यूनिवर्स की, आपको ये अंदर से आ रहा है, फीलिंग आ रही है, तो आप उसको यस बोलिए। ये मत सोचिए नहीं मैंने तो कभी लिखी नहीं, मुझे तो आता है नहीं, ऐसी फीलिंग्स मुझे भी थी शुरू में, लेकिन उसके बावजूद मैंने निश्चय कर लिया था कि जो फीलिंग आ रही है उसको करना है, तो वो हुआ, बहुत जल्दी हुआ, शीघ्र हुआ। तो हमें बस यूनिवर्स का जो मैसेज है उसको समझना है और अपने आप को बाउंड नहीं करना अगर हमें इस क्षेत्र में आगे जाना है। बिल्कुल। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच काजल जी, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी लर्निंग हमारे साथ शेयर की, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही, आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे मेरी कलम के अगले एपिसोड में एक और ऑथर के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।